और अब सीरिया में एयर स्ट्राइक किसने की, कैसे पोर्ट सिटी टार्टस बन सकता है महायुद्ध का सेंटर, और आखिरी वक्त पर कैसे टला रूस का यूक्रेन पर परमाणु हमला। वैश्विक तनाव से जुड़ी खबरें देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप नाइन में। अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद इजरायली सेना ने सीरिया में भीषण एयर स्ट्राइक की। होम्स और टाटस के पास ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों के ठिकाने टारगेट किए गए। मिसाइल और गाइडेड बमों के हमले के बाद मध्य सीरिया में हड़कंप है, 7 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी के 15 ठिकानों पर इजरायल ने हमले किए। सीरिया में IRGC से जुड़े संस्थानों पर भी IDF ने बमबारी की। इसे 2018 के बाद सीरिया में IDF का सबसे बड़ा ऑपरेशन माना जा रहा है। इजरायल के इन हमलों में प्रॉक्सी गुटों को भारी नुकसान का दावा है। इजरायली हमलों से बीती रात सीरिया का हामा भी दहल गया। सूत्रों के मुताबिक IDF ने वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र वाले क्षेत्र मसियाफ को निशाना बनाकर 13 मिसाइलें दागी। अमेरिकी इंटेलिजेंस को मसियाफ में ईरान के वेपन एक्सपोर्ट के होने की आशंका है। सीरिया एयरपोर्ट शहर टार्टस पर भी इजरायल का कहर बरपा। बीती रात इजरायल की कई मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। सूत्रों के मुताबिक यहां पोर्ट पर ईरान से मिले हथियारों को रखे जाने की सूचना थी। इस दौरान रात भर अलर्ट सायरन बजते रहे। भीषण जंग के बीच रूस को लेकर बड़ा दावा सामने आया। खेरसोन में यूक्रेन की काउंटर ऑफेंसिव से बौखलाया रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले करने वाला था, लेकिन अमेरिकी चेतावनी के बाद पीछे हटने पर मजबूर हुआ। CIA चीफ बिल बर्नर्स के हवाले से यह दावा ब्रिटिश न्यूज एक्सप्रेस .co.uk ने किया है। यूक्रेन पर परमाणु हमले को लेकर ब्रिटिश मीडिया की रिपोर्ट में एक और खुलासा हुआ। दावे के मुताबिक साल 2022 में ऐसी परिस्थिति पैदा हुई थी, कीव पर हमले के बाद रूस के टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैयार थे, लेकिन अमेरिका ने तुर्की के जरिए क्रेमलिन से संपर्क किया और हमला टला। यूरोप में फिर न्यूक्लियर वॉर की आहट है। अमेरिका के पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर स्कॉट रिटर ने इसे लेकर चेतावनी दी है। इसके लिए रिटर ने यूक्रेन को मिले अमेरिकी ATACMS मिसाइलों को वजह माना है। उनके मुताबिक अगर इन मिसाइलों का रूस पर इस्तेमाल हुआ तो जंग भड़कना तय है। महायुद्ध की आशंका के बीच रूस पर नाटो देशों की सीमा में घुसपैठ का आरोप लग रहा है। द सन के हवाले से खबर है कि यूक्रेन की ओर दागे गए रूस के 2 असॉल्ट ड्रोन रोमानिया और लात्विया की एयर स्पेस में दाखिल हुए। बाद में उनमें से एक को यूक्रेनी आर्मी ने मार गिराने का दावा किया। रूस के रोमानिया और लात्विया की एयर स्पेस में घुसपैठ से नाटो भड़का हुआ है। उप महासचिव मिर्सिया जियोना ने रूसी एक्शन को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक बताया। जियोना ने कहा कि अगर रूस अपनी करतूतों से बाज नहीं आया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।